देख रहे हो, अब ये किवाड़ खोल लेगी, मतलब जो गेट है ना ये, इसको गेट को खोलने की कोशिश करी होगी तो ये टूट गया। ये हमारे पिताजी बात एक काम करना, सुनो मेरी जी, अभी दरोगा जी तो गए थाने, अभी आ जाएंगे तो इन्हें भी बुलवा लेंगे। एक चीज, एक रणजी प्लेयर है और रणजी प्लेयर के साथ उन्हें भी आई थी, तो आप सोचिए किस लेवल के हैं ये। गाड़ी तोड़ दी, ऊपर से गाड़ी पे पेशाब भी करा है, गाड़ी पे इसने पेशाब भी करा है, जबकि गाड़ी के अंदर बालाजी की वो रखी हुई है, आपने देखी होगी मेरी कार, तो बालाजी की फोटो रखी हुई है, वो मूर्ति रखी हुई है। तो इतने ज़्यादा ये, मतलब ये तो हिंदू है ही नहीं, ये तो सनातनी नहीं है। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में, मेरा नाम दिवाकर है, और रोज की तरह जैसे दिन की शुरुआत होती है, आज बिल्कुल वैसे नहीं हुई है। जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा था कि घर पे हमला हो गया, कार मेरी तोड़ दी, फिर मैंने पुलिस को बुलाया, तो आज पूरा दिन इसमें जाना है, क्योंकि क्या हुआ, पुलिस आई और पुलिस ने आने के बाद मुझसे कहा कि आप जो है पहले जो आपका थाना है वहाँ जाके आप कंप्लेंट दर्ज कराइए, उसके बाद उन्होंने जितने भी एविडेंस थे सब देख लिए और आज जो होगी वो कार्रवाई होगी। सुबह ही मेरे पास फ़ोन आया था, जो डायल 112 है उसके द्वारा जो फ़ोन किया जाता है, तो फीडबैक के लिए फ़ोन आता है, तो सुबह ही फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पुलिस ने क्या करा, तो मैंने उनको सारी बात बताई है। फिलहाल जो ये एप्लीकेशन थी, ये कंप्लेंट एप्लीकेशन, मैंने CO साहब के पास भी पहुँचा दी और थाने में भी दर्ज करा दी है, और आज इस पर एक्शन होगा। आज आपको कल्प्रेट दिखाऊंगा कौन सा वो कल्प्रेट है जिसने घर पर हमला किया, जिसने कार तोड़ दी, और पूरी चीज़ें दिखाऊंगा। ये लोग इतना जल रहे हैं भाई, मतलब इतना जल रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं मेरे फायजा के बारे में, आप लोगों का जितना प्यार मिल रहा है, तो ये हमारे आस पड़ोस के लोग इतना जल रहे हैं, इतना जल रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इसी जलन सड़न में ये हरकतें कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हिंदू विरोधी हरकतें हैं, सनातन विरोधी हरकतें हैं। कहता हूँ आप मेरा, मुझे पूरा प्यार दीजिएगा, ये मैटर ऐसा है इसमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे आपका पूरा प्यार चाहिए भाई, मैं हक से मांग रहा हूँ और मुझे चाहिए। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल घर पे भी काम चल रहा है, इतने पुलिस इंक्वायरी होगी, पुलिस आएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि घर पे भी अभी क्या काम कंप्लीट हुआ है। इतनी सारी चीज़ें हो गई ना कि घर पे काम भी देख रहा हूँ, फिर ये मैटर भी हो गया, तो आपको सब दिखाता हूँ। क्या यार, यही तो है डेली व्लॉगिंग, तो ये सारी चीज़ें घटित हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ और पहले बाहर लेके चलता हूँ। तो भाई कल की तरह ही ये देखिए, ये गेट जो है वो अपना लग गया है, इधर दीवारें खड़ी हो गई हैं, इधर पार्टीशन पूरा हो चुका है, और हर तरफ अभी फ़िलहाल जो है रेत और ये सब ही हो रहा है। अब ये मैं आपको जो है बाहर लेके चलता हूँ और बाहर दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो, पूरा काम वाम फैला पड़ा है, इधर काम चल रहा है, अभी यहाँ पे भी टाइल्स लगेंगी, और कल आपको दिखाया था मैंने, तो जो ये सारी यहाँ पे जो हमला हुआ था ना, तो ये सारी ईंटें वगैरह सब गेर दी थी, ये किवाड़ वगैरह सब मोड़ दिया, देख रहे हो आप, ये सब मोड़ के तोड़ दिया पूरा किवाड़ जो है भाई, और ऊपर तक, मतलब ये समझ लो पूरे घर पे बहुत ज़्यादा इन उन लोगों ने, ये देखो ये सब किवाड़ विवाड़ पे लाते वाते मार के सब तोड़ दी, और आप देखो ये इधर ईंटें गिरा दी थी। तो आज इन पे करूँगा मैं कार्रवाई जब पुलिस आएगी, तो जैसे ही पुलिस आती है और जो भी बातें होती हैं सब आपको बताता हूँ। तो भाई रात में शायद आप लोग नहीं देख पाओगे सही से कि कार में कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है, तो ये देखो ये यहाँ पे जो है ये पूरी कार जो है इसने पिचका दी भाई, और ये देखो नीचे से, ये देखो कितने बुरे, मतलब क्या मारा है बहनचोद, समझ नहीं आ रहा, पूरी कार को डैमेज कर दिया। वो तो अच्छा है कोई बहनचोद शीशा वीशा नहीं तोड़ा, और ये देख रहे हो अब ये किवाड़ खोल लेगी, मतलब जो गेट है ना ये, इसको गेट को खोलने की कोशिश करी होगी तो ये टूट गया। ये पूरी कार ख़राब कर दी है, देखेंगे अभी पुलिस को, पूरी जितनी वीडियोस हैं मैंने वीडियोस करी हैं सब आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, और जो भी वीडियोस हैं सब हम जो है आगे तक लेके चलेंगे। तो भाई पुलिस आ गई है बाहर, अब मैं करने वाला हूँ उनसे बात। लो पकड़ो, अभी वहाँ पर जो है वो जो कल्प्रेट है उसको लेके आ रहे हैं और उससे बात करेंगे, पुलिस वाले हैं दो। और इतनी गाली थोड़ी दे ना था, पूरी कॉलोनी फटी थी। उधर दिखाओ, उधर की तरफ जो है वो कल्प्रेट है, हर जगह होती है। विपक्ष में हमारे पिताजी बात एक काम करना, सुनो मेरी जी,
अभी दरोगा जी तो गए थाने, अभी आ जाएंगे तो इन्हें भी बुलवा लेंगे। अच्छा, एक एक चीज़ और सुन, मैं गलत हूँ? जैन साहब का बयान ले लो, मैं हार्ड कर देता इतनी गाली को के साथ में। तो ये चीज़ें चौकी पे बैठ के होगा जी, अभी दरोगा जी आने वाले आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, खुद का इंसिडेंट है तो सर, इतना तो मेरा बन जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि अभी पुलिस आई थी और पुलिस ने उस कल्प्रिट के घर पे जाके उससे बातचीत करी और उसने अपनी तरफ से कहा कि मैं गलत नहीं हूँ, ये गलत हैं और ये वैसे हैं, ये ऐसे हैं, तो वो तो कहेगा। देखो यार, जाहिर सी बात है, तुम किसी के ऊपर जो तुम्हारे साथ कोई गलत करेगा, तुम उसके खिलाफ रिपोर्ट करोगे तो वो अपने आप को गलत थोड़ी कह देगा, वो तो तुम्हें ही गलत कहेगा। तो ये जो व्यक्ति है ना, मैं आपको बता देता हूँ, इस व्यक्ति का नाम है आर के सिंह राम कुमार सिंह और इसके लड़के का नाम है अजीत सिंह, जो कि एक और उसका, अब जो ये अजीत सिंह का जो लड़का है वो भी रणजी प्लेयर है, वो भी रणजी प्लेयर है, तो इस बात का घमंड है। साथ में दोस्तों पता है सबसे बुरी बात क्या है, ऐसे लोग सनातन समाज पे धब्बा हैं जो कि हमारी कॉलोनी में रहने वाले, जो हमारी सोसाइटी में रहने वाले दलित परिवारों को गाली बकते हैं। मतलब इन जैसे लोगों की वजह से कभी सनातनी एक नहीं हो पाते, क्योंकि इन जैसे लोग दलित परिवारों को जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं आए दिन गाली बकते हैं कि वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें से कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्हें जब चाहे तब ये गाली बक लेता है, जब चाहे तब मार लेता है, वो बेचारे डर के हमारे कुछ नहीं कर पाते। कल भी जब मैं फुटेज कर रहा था तो जो आए थे कांस्टेबल थे वो, तो वो सिर्फ आए थे कि क्योंकि कंप्लेंट आई थी तो वो आए थे पूछने की मैटर क्या है। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप जो है चौकी आइएगा, दरोगा के सामने आमने सामने बैठ के बात करेंगे। देखिए, बात तो मुझे कुछ करनी नहीं है, बस ये है जो दरोगा साहब कहेंगे हम वो सुनेंगे और आगे की बयान करा के कार्रवाई करेंगे और उस पर भाई मुकदमा करेंगे, क्योंकि एक महिला के साथ बदतमीजी, जिस तरीके से मेरी मदर के साथ बदतमीजी करी इसने, मेरी गाड़ी तोड़ दी, ये जो दबंगाई है, समझ रहे हम, ये नहीं देख रहे, मुलायम सिंह की सरकार नहीं है ये सरकार, अब ऐसे इंसान की है जो हर व्यक्ति को समान नज़र से देखता है, कानून की नज़र से देखता है। तो इस पे उस तरीके का अब एक्शन होगा और कल हम चौकी जाएंगे और चौकी जाने के बाद हम जो है अपने बयान दर्ज कराएंगे और फिर इसके ऊपर एक्शन होगा। तो दोस्तों आपको पूरी कार्रवाई दिखाऊंगा और जब तक ये अरेस्ट नहीं होगा मैं तो बैठूंगा नहीं भाई शांत। उसके बाद सीओ साहब के पास ये कंप्लेंट जा चुकी है, और कप्तान साहब से भी मिलना पड़ा तो उनसे भी जाके मिलूंगा यार। अगर पढ़े लिखे लोग इन जैसे लोगों के सामने खड़े नहीं होंगे ना तो ये तो बेचारे गरीबों का, दलितों का जीना हराम कर देंगे, आप समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आपके प्यार की, आप मुझे ऐसा प्यार दीजिए कि इन जैसे लोगों को सबक सिखाएं। क्या हैं, सनातन के नाम पर धब्बा हैं, हिंदुओं के नाम पर धब्बा हैं, जो कभी हिंदुओं को एक नहीं होने देंगे, जो कभी सनातनियों को एक नहीं होने देंगे। तो इन जैसे लोगों के खिलाफ आप मुझे प्यार दीजिए, मेरी इस लड़ाई में आप साथ दीजिए। पहले भी जो मैंने लड़ाई लड़ी थी वो गैर सनातनियों के खिलाफ लड़ी थी, समझ रहे हैं आप। अब जो लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं वो हिंदू समाज के, सनातन समाज के ये काले धब्बे हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो लड़ाई लड़नी बहुत ज़रूरी है, इन जैसे लोगों की वजह से ही ना हिंदू बदनाम है, सनातनी बदनाम है। तो आप पूरा अपना जो है प्यार मुझे बनाए रखिएगा, इसको जब तक सलाखों के पीछे जेल में नहीं पहुँचाएंगे ना तब तक शांत नहीं बैठूंगा भाई मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने जो हरकत करी है ना, अच्छा मैंने एक चीज़ और देखी, गाड़ी तोड़ दी, ऊपर से गाड़ी पे पेशाब भी करा है, गाड़ी पे इसने पेशाब भी करा है, जबकि गाड़ी के अंदर बालाजी की वो रखी हुई है, आपने देखी होगी मेरी कार, तो बालाजी की फोटो रखी हुई है, वो मूर्ति रखी हुई है। तो इतने ज़्यादा ये, मतलब ये तो हिंदू है ही नहीं, ये तो सनातनी नहीं है, ये लोग तो धब्बा हैं भाई, धब्बा हैं। तो आप अपना प्यार रखिएगा, आगे की जैसे जैसे कार्रवाई होगी वैसे वैसे वीडियोज़ में, अपने ब्लॉग्स में आपको बताता रहूँगा। और ओम नमो नारायण।